फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि काज और रीजन में क्या फर्क है। आप कहते हैं कि दोनों का मतलब होता है वजह या कारण, लेकिन मैं नहीं समझ पाता हूं कि कब हमको काज बोलना है और कब हमको रीजन बोलना है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। यह लेसन थोड़ा ट्रिकी है, बट अगर आप कोशिश करेंगे तो आप सीख जाएंगे। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रीजन के बारे में देखें, उसके बाद हम काज का भी इस्तेमाल सीखेंगे। रीजन का मतलब होता है कारण या वजह, और इस वर्ड से लॉजिक का पता चलता है या किसी इंसान के इरादे का पता चलता है, यानी जस्टिफिकेशन का पता चलता है, या फिर ये कह लीजिए इस वर्ड से किसी इंसान के मोटिव का पता चलता है कि इस इंसान का यह ख्याल है, यह इरादा है, या उसका यह लॉजिक है। जैसे अगर लिखा हो गिव मी अ रीजन फॉर योर गोइंग, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि तुम्हारे जाने का एक रीजन दो, या एक कारण बताओ, या एक वजह बताओ। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर कोई इंसान किसी इंसान की इरादा जानना चाहता है, या उसका लॉजिक जानना चाहता है कि तुम्हारे जाने का लॉजिक क्या है, या इरादा क्या है, यानी इंटेंशन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि इसके पीछे क्या वजह है, यानी कोई आदमी किसी से पूछ रहा है कि इसके पीछे क्या वजह है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस सेंटेंस पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि कोई आदमी किसी का इरादा जानना चाहता है, या उसका लॉजिक जानना चाहता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है। ही हैज इनफ रीजन फॉर डूइंग सो, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ उसके पास काफी वजह है इस काम को करने के लिए, यानी इस काम को करने के लिए उसके पास काफी वजह है या काफी कारण है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि यहाँ किसी इंसान की इंटेंशन का पता चला, यानी किसी इंसान की लॉजिक का पता चल रहा है कि इस काम को करने के लिए उसके पास काफी लॉजिक है। आइए फ्रेंड्स, अब देखें कि काज का क्या इस्तेमाल है और आप किस सेंस में काज का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, काज का मतलब होता है वजह या कारण, लेकिन इस वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कहीं कोई चीज घटित हो गई, यानी वर्ड काज से सिचुएशन का पता चलता है। पता ये चलता है कि कहीं पर कोई चीज हो गया या कुछ घटित हो गया। जैसे स्मोकिंग कैन काज कैंसर, यानी स्मोकिंग से कैंसर होता है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि यहाँ वर्ड काज से सिचुएशन का पता चला कि इससे ये चीज घटित होती है, यानी यह नुकसान होता है। सी इज ऑलवेज काजिंग ट्रबल फॉर पीपल, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि वह हमेशा लोगों के लिए मुसीबत खड़ा करती है, या वह हमेशा लोगों के लिए मुसीबत की वजह बनती है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि इस सेंटेंस में मैंने सिचुएशन की बात किया कि कुछ हो जाता है, या कुछ घटित हो जाता है, या कुछ अनहोनी हो जाता है। केयरलेस ड्राइविंग काजेज एक्सीडेंट, यानी लापरवाही से गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट की वजह बनती है, या एक्सीडेंट का कारण होता है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मैंने बोला काज, क्योंकि यहाँ पर कुछ होने की बात हो रही है, कुछ घटने की बात हो रही है, यानी यहाँ पर सिचुएशन की बात की जा रही है कि ऐसा होने से ऐसा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉज और रीजन में फर्क समझ में आया कि कॉज एक सिचुएशन को बताता है जिसका मतलब होता है कि कुछ अनहोनी हो गया या कोई चीज घटित हो गया, जबकि रीजन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी इंसान की लॉजिक की बात करें, या किसी इंसान की इंटेंशन की बात करें, जस्टिफिकेशन की बात करें कि उस इंसान का यह ख्याल है, या इरादा है, या उसका मोटिव है। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको ये लेसन समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।